नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। आशा कार्यकर्तियों के शोषण किए जाने के कारण आशा कार्यकर्तियों के अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई है और उन्हीं भावनाओं के समाधान के लिए आज हमने जो है CMO से मिलने का एक निर्णय लिया हूं। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, जो ब्लॉकों पे काम करने वाले अधिकारी हैं, वो आशाओं के इतना शोषण कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अगर कर्मचारियों की एक महीने की वेतन रुक जाए तो उनके लिए जो है समस्या बन जाती है, और हमारे आशा कार्यकर्ताओं की जो छोटी सी मानदेय मिलता है उससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ना तो इनके परिवार का पेट भर पा रहा है। अभी जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि हम गर्भवती महिलाओं को लेकर के चिकित्सालयों में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर हमारी बात को नहीं सुनते, हमको बाहर कर देते हैं। मैं इस संबंध में भी मैं बताना चाहूँगा कि आप आशा कार्यकर्ती अपनी बैठक करें, बैठक करने के बाद हमें मैं रात की महिला चिकित्सालय के जो है प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक लिली श्रीवास्तव जी से मिलूंगा और आपके मांगों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। अभी 16 तारीख को हमारे इस संगठन के समिति के अध्यक्ष के साथ जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अमित सिंह, डॉक्टर अमित सिंह ने जो है बड़ा दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करने के कारण इन्होंने मांग पत्र देना चाहा, इनके मांग पत्र को उठा करके फेंक दिया गया। जब यहां से प्रशासनिक अधिकारी का फोन गया तो उन्होंने मांग पत्र को लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दिया कि अगर हमारी आपने अगर कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया तो निश्चित है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। वो इतना इस बात को न समझे, अगर हमारे एक भी आशा कार्यकर्ती के साथ किसी भी प्रकार के शिक्षा अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर 15 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो निश्चित है कि होने वाली अगली बैठक में हम निर्णय लेंगे, हम व्यापक पैमाने पर यहाँ CMO ऑफिस पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा और जो कुछ भी करना होगा करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा इन्हीं विचारों के साथ। मैं ऑल इंडिया आशा बहु कल्याण सेवा समिति की जिला अध्यक्ष संगीता गिरी हूँ। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया CMO? आज मैं CMO ऑफिस दिनांक 17/8/21 को मैं यहाँ पर सभी आशा बहनों को यहाँ पर बुलाई हूँ, क्योंकि आए दिन हर PSC पर हमारी आशा बहनों को कोरोना जैसी महामारी में भी ज़्यादा से ज़्यादा खतरे से खतरे कार्य को कराया गया, लेकिन आज भी हम लोगों का शोषण हो रहा है। और शोषण ही नहीं, अब हम लोगों को पीड़ित भी किया जा रहा है। और ब्लॉक के MYC, ब्लॉक के NM, जितने ब्लॉक पे नर्स हो, कोई भी हमारी आशा बहन से इज्जत से बात नहीं करती है और बेइज्जती से बात करती है और सम्मान नहीं करती है और अपने को मेरी आशा बहनों को दबा करके रखती है। इसलिए मैं
जिले के समस्त MYC सर को यह अवगत कराना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब लोग को, कि अगर आशा का आप लोग सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, एक तरफ आप लोग समाज में इज्जत देते हैं और दूसरी तरफ आप लोग आशा बहुओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो आज इस मतलब मुद्दे को लेकर के हम सभी आशा बहनें CMO सर के पास यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम लोगों को कार्य के साथ साथ मान सम्मान भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर हम लोगों को मान सम्मान से कोई डॉक्टर हो या कोई MYC सर हो या कोई स्टाफ हो, नर्स हो, जो भी हो, इज्जत से बात करें और हम लोगों को भी सामाजिक तौर पे जब रखा गया है तो हम लोगों को भी कुछ सम्मान करें, क्योंकि हम लोग भी अपने घर के आशा बहू होने के साथ साथ किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं और हम लोगों की भी अपनी इज्जतें हैं। इसलिए कम से कम मैं अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के पास भी यह मैसेज भेजना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को वो सुने और कम से कम आशा को सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा दिया है। तो कोई भी डॉक्टर हो या कोई सीनियर, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं और हम लोगों की भी अपनी इज्जतें हैं। इसलिए कम से कम मैं अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के पास भी यह मैसेज भेजना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को वो सुने और कम से कम आशा को सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा दिया है। तो कोई भी डॉक्टर हो या कोई सीनियर अधिकारी हो, वो हम लोगों का शोषण ना करें और हम लोगों को आए दिन जलील ना करें। हम लोगों को मान सम्मान के साथ हम लोगों का कार्य करवाया जाए और इज्जत दी जाए और इज्जत के साथ साथ हम लोगों का मानदेय न्यूनतम 18,000 किया जाए, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने जितना भी संघर्ष उठाया है, जितना भी आपका स्वास्थ्य योजना है हम लोगों ने संभाला, लेकिन हम लोगों को यह सरकार या तो भूल गई हैं या तो ध्यान नहीं दे रही हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का न्यूनतम मानदेय 18,000 वेतन किया जाए। इसलिए आज मैंने जिले पर इस सारी आशा बहनों को एकत्रित किया था, जिसमें हमारी सारी पदाधिकारी बहनें भी उपस्थित हैं। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो ये तो सिर्फ हम लोग ज्ञापन देने आए थे CMO ऑफिस, CMO सर को, अन्यथा अगर मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग विशाल धरना के रूप में धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। CMO सर से मिलने के बाद हमको बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है। वो बोले हैं कि आपका पत्र मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको यह वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं हर PSC का जांच करवाऊँगा और कहीं भी आप लोगों को सताया और धमकाया नहीं जाएगा। अभी उन्होंने यही आश्वासन दिया है। गवर्नमेंट PSC से हैं हम लोग, जिला अस्पताल लेके जाते हैं अपने गर्भवती को जांच कराने, चाहे कुछ भी करने, डिलीवरी कराने, तो हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगी। हम लोग जैसे कुत्ते होते हैं वैसे हम लोग बाहर चुपचाप खड़े रहते हैं। मरीज अकेले जाता है, मरीज क्या बताएगा डॉक्टर को क्या दिक्कत है। हम लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम लोग को अंदर नहीं दिया जाता है। ये कितने दिन से चला रहा है आप लोगों के साथ? अरे जब से हम लोग को ज्वाइन ही किए हैं तब से यही हम लोग की रवैया है, ऐसे ही किए जाते हैं। किस अधिकारी से बात किया जाए? CMO साहब से तो दीदी बात की। अब CMO साहब देखिए हम लोग को ऊपर हम लोग को कोई वो नहीं करता है, जैसे चल रही है वैसे चले, हम लोग को कोई नहीं। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।